गुरुग्राम में जज की पत्नी और बेटे पर उनके ही गनर ने आखिर क्यों चलाई गोली, ये रहस्य अभी तक नहीं खुल पाया है। गुरुग्राम में जज की पत्नी और बेटे को गोली मारने का रहस्य अब तक नहीं खुला है। गोली मारने वाला गनर महिपाल 4 दिन की पुलिस हिरासत में है। उसे नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है, लेकिन उसने अब तक ये नहीं बताया है कि उसने जज कृष्णकांत की पत्नी और बेटे पर गोली क्यों चलाई। पुलिस के मुताबिक वारदात के वक्त महिपाल शैतान और शैतान की माँ जैसे शब्दों को बोल रहा था। पिछले कुछ दिनों से महिपाल परेशान चल रहा था। महिपाल का अपनी पत्नी से भी रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। जिस वजह से उसने पर्टिकुलर एक रीजन की वजह से कुछ मर्डर किया हो, ऐसा मैं अभी क्लियर कट नहीं बता सकती क्योंकि टाइम लेगा, इसीलिए रिमांड की जरूरत है। गोलीकांड के बाद जज की पत्नी रितु की मौत हो गई, जबकि बेटे ध्रुव की हालत नाजुक बनी हुई है। इस बीच आरोपी गनर का परिवार कह रहा है कि पुलिस उन पर दबाव बना रही है, इसलिए हमारे भाणजे को निर्दोष है और उसके ऊपर जज की पत्नी ने दबाव बनाए हुए था। ये है ABP News, आपको रखे आगे।